हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज हम व्लॉग बनाने जा रहे हैं। पहले तो सबको जय माता जी। और सुबह के बजे है 9 और हम लोग जा रहे हैं बाहर घूमने। मतलब हमारे घर के पीछे ही गार्डन है तो वहाँ पे जा रहे हैं। अभी इतना वेदर तो अच्छा नहीं है लेकिन घर पे बैठे बैठे बोर हो रहा है तो अभी थोड़ी देर टहलने जाते हैं। और पहले तो कचरे का डिब्बा फुल हो गया है तो उससे पहले कचरा डालना जाना है नीचे। बाद में हम पीछे के गार्डन में जाएंगे तो हम दिखाएंगे क्या है, कैसा है गार्डन। तो चलो अभी कंटिन्यू करेंगे नीचे, जब कचरा डालने जाएंगे तब। अभी जंगल जा रहा है कचरा डालने, नहीं हम दिखाएंगे कैसे यहाँ की प्रोसेस है कचरा डालने की। यहाँ भी कई प्रकार के डिब्बे होते हैं, ब्लैक वाला, ब्लू वाला और ये येलो वाला। हिरन भाई सारा कचरा इसमें ही डाल दिया? या दिस वन इज फॉर ड्रेस मोल, या दिस वन इज फॉर पेपर, पेपर जो रहता है पुठा पेपर इसमें डालना है और ड्रेस मोल इसमें है और बाकी की जो चीज है वो पकुंगन उसमें येलो में डालना है। अच्छा, ज़्यादातर उसमें हम डाल देते हैं में। पूरा मिक्स होता है ना इसलिए है ना। और कांच की बोतल है वो सब इसमें नहीं डालना, उनका अलग रहता है बाहर। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं फिर बाहर घूमने के लिए जाते हैं, दिखाएंगे आगे आगे आपको और कंटिन्यू करेंगे। हम लोग कचरा डालने गए थे और पीयूष उमर बाहर वेट कर रहे हैं तो हम चलो पीयूष हम लोग जाते हैं बाहर। ये देखो हमारी मॉर्निंग अभी स्टार्ट हुए है। मॉर्निंग मतलब सुबह के 11 बज गए हैं लेकिन हम यहाँ अभी मॉर्निंग बोल रहे हैं। ये देखो हिरन भाई कुछ ना कुछ और खाते रहते हैं। हिरन भाई स्कूटर है यहाँ का स्कूटर। ये हमारी स्ट्रीट है जर्मनी की। गार्डन है वहाँ पे हम जा रहे हैं। अभी मॉर्निंग तो नहीं बोलते इसको।
यहाँ पे सब लोग टहलने आते हैं। ये देखो माँ जी आ रहे हैं। कैसे हो हिरन भाई? बढ़िया हूँ थोड़ा बहुत। माजी जो हॉलीवुड फिल्म नो शूटिंग चालू है। चलो आज बहुत ही अच्छा नजारा दिखाते हैं। इधर देखो भाई, इधर देखो ये। अभी हम थे उस साइड, इस साइड हम आ गए। पवन है एकदम, ये तो ठंडी एंजॉय कर रही है। આજે છે ક્રિસમસનો ટાઈમ, બીજો દિવસ, તો પબ્લિક એટલું બધું તો છે નહીં, પણ અમે જરૂર છીએ, અમારી ટીમ છે। હેલો, વેધર એ એકદમ ચકાચક પવનવાળું, લોકો એકદમ વેકેશન મોડ ચાલુ છે, ચાલતા ચાલતા। ઠંડી ઓછી છે પણ પવનના લીધે વધારે હાલ આલી છે। ઠંડી તો છે છબરી। નાકમાંથી પાણી પડવા મળે છે હિરનભાઈને, વધારે લાગે જો। હા, તો અત્યારે આપણે જાત્રા કરવા માટે નીકળ્યા છીએ ઘરની આજુબાજુની સાઈડ। નાહી નહીં એટલે નાવાની ગોળી લીધી।
છે નાવાની ગોળી લઈ લીધી એટલે મજા આવે છે એકદમ. પાણી નો બગાડ નહી કરવાનો બહુ. તો આ ક્રિસમસમાં વેકેશન 10 દિવસનું છે પણ આ રીતે આ ટમાણી ટાઈમ પાસ કરીને કાઢવાનું છે, કારણ કે મિત્તલનું કાર્ડ જે એવું નથી, ફેબ્રુઆરીમાં આવશે, વિઝા એક્સટેન્ડ કરાવ્યો છે તો એટલે જર્મનીની બહાર તો અત્યારે અલાવ નથી એને જવાનું. એ અલાવ કરે તો હું એકલો જઈ શકું, પણ હા તો જાઓ, હું ક્યાં ના પાડું, ગમે તમને મતલબ ફાવે તો જાઓ. એ વિશ્રામ મોડ જાત્રા મેં વિશ્રામ મોડ ભી હતા હે. તો ચાલો થોડીક વાર પછી બતાવીએ. આજે ઠંડી છે કે નહીં હવે કે હવે છે ઠંડી ઠંડીમાં જર્મની ઉપરના મારા વાળ વયા ગયા છે. ઉપર કે બાલ જા રહા હે ઓર નાક મેં સે પાણી જા રહા હે, દેખો ઇતની ઠંડી હે. ખેલો ખેલો ભાઈ, ચાલો બચ્ચે લોગ ખેલેંગે હમ દેખેંગે, ચાલો આ જાઓ બચ્ચે લોગ. કલાક પછી પ્રદક્ષિણા કરી ગાર્ડનની અને ઘર તરફ જઈ રહ્યા છીએ. એક કલાક ફ્રેશ થઈ ગયા, ઘરથી 5 મિનિટના અંતરે છે ગાર્ડન એટલે એને ટાઈમ
पेपर आया नहीं है। ये नहीं आया है। चलो तो फाइनल सब्जी रेडी थे पछी आपड़े जोइए। व्हाट वाओ, ये फणसी को ऐसे मतलब फ्राई नहीं करते, लेकिन मैंने तेल कल था, मैंने समोसे बनाए थे तो तेल बिहारी समोसे बनाए थे कल, तो कढ़ाई में तेल था तो मैंने फ्राई कर दी, तो टाइम कम लगे सब्जी बनने में। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो तो मिलिए पछी। हाँ, सो राइस, राइस जीरा, तमालपत्र, सूखा मरचा, हींग, माय फेवरेट हींग, हल्दी, अनियन, रेड अनियन। ओह माय गॉड, क्या सुगंध आ रही है, ये बहुत ही बढ़िया है। थोड़ी देर पकने देते हैं। ओके, बाद में टमाटर डालेंगे। अच्छा, ये प्याज पक गए हैं। चलो तो उनसे मैंने डाल दिया, कौन से बन सब कुछ डाल दिया है, मसाला सब, इंडियन स्पाइसेस डाल दिए। थोड़ी देर पकने दो, घुमाते रहो घुमाते रहो, बाद में पकने दो। बहुत ही बढ़िया एकदम। हम यूज़ कर रहे हैं सनफ्लावर वाला ऑयल। चलो मित्तल तो आया छे, मित्तल तो छे ने मारे रसोई बनावा। हां, હું આવી પછી એક દિવસ બી નથી બનાવી, પછી બનાવવાની થોડી હોય। હા, લાવ અત્યારે બનાવો જો, હમણાં મસ્ત છે કે રોટલા। નહીં નહીં, મેં કર લૂંગી, આપ રહેને દો, વરના પતલે હો જાઉંગે। घी थोड़ा सा है स्टॉक में, है ना, घी लाए हैं। लंच की प्रिपरेशन हो रही है, दो पास हो, रोटियां बन रही है बढ़िया सा, देसी घी के साथ, देसी घी जर्मनी का, विदेशी घी है, देसी नहीं है भाई। लेकिन आता है अभी मैं बना रहा हूँ रोटी बढ़िया सा, एकदम चकाचक जोरदार। देखते हैं पीस से रोटी फूलेगी या नहीं। चैलेंज चैलेंज एक्सेप्टेड। लोग देखते हैं, रोटियां तो फूलनी चाहिए, फूलेगी फूलेगी देख। 1 2 3 डन डन अमेजिंग। फूली तो है रोटियां, फूलेगी फूलेगी, क्यों नहीं फूलेगी।
घी तुरंत लगाना नहीं तो जम जाएगा। देसी घी है, सब्जी भी रेडी हो गई वहाँ पे, पता नहीं कौन सी है, फणसी बढ़िया सा फणसी। ऐसे रोटी पकाना चाहिए आपको, ऐसे थोड़ी पकने के बाद पलटा देने चाहिए और उस साइड अच्छी तरह से पकने के बाद हम गैस पे रखेंगे तो फूल जाएगी अच्छी। मेरे को भी थोड़ा बहुत नॉलेज है, तुझे ही करना है। किरण भाई को तो पीयूष से ज्यादा अच्छी आती है रोटी। ओह माय गॉड, बना लेता हूँ थोड़ा बहुत कभी कभी, मैं भी रिकॉर्ड ब्रेक हो गया, सब्जी भी अच्छी बनाता हूँ कभी 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 पहले बनाता, मतलब नानपण में बनाता, बालपन था ना तेरा तभी तू बनाता, सपने में सपने फिर बूंदे हजी कई बाकी छे, मांगो मांगो इसके मसाला साथ है सूरत में मस्त। અત્યારે આપણે તો રેડી થઈ ગયું છે, લંચનું ટેબલ રેડી, મસ્ત રાયવાળા મર્ચ સાથે ચોસ રોટી એકદમ ચકચક, ચાલો જમી લઈએ મળીએ પછી। તો અભી ચાય પી કે બેઠ ગયા હે મેડમ? અભી 6 બજે હે और अंधेरा भी बहुत हो गया है तो बाहर जाने का कुछ मन नहीं कर रहा है, तो अभी थोड़ी देर कुछ पढ़ाई वढ़ाई करते हैं और तब तक तो शाम हो जाएगी, 8 बजे बज जाएगा, तो हम कुछ खाना वाना बनाएंगे और अगर खाने का वीडियो लेंगे तो आगे कंटिन्यू करेंगे, बाकी तो बस इतना ही। પ્રોગ્રામ છે આજે અને શેફ છે હિરેન મારણકિયા, એકદમ સ્પાઈસી મેગી ખાવાની છે, જે મેગી તમે ક્યાંય નહીં ખાધી હોય, ડુમસની વિદ્યાનગરની અમદાવાદની સુરતની જેટલી મેગી મેં ખાધી બધાનું કોમ્બિનેશન કરું છું અને એક સ્પેશિયલ મેગી બનાવું છું આજે તમારા માટે। ઓહો, આપણી પાસે બધું મટીરિયલ અવેલેબલ છે, વટાણા સુધા તો મેં તો આજ તક કભી ખાઈ નહીં હૈ ગ્રેવી વાલી, હિન્દી ગુજરાતી સબ મિક્સ કર દો, સબ લેંગ્વેજ બીચ મેં ઇંગ્લિશ ભી આયેગા કભી કભી। हमारी रेडी हो चुकी है, फाइनली हम खा सकते हैं, गैस भी बंद कर देते हैं। बहुत ही बढ़िया, अभी ये ग्रेवी खाने के लिए रेडी है और मज़ा भी इतना आएगा, थोड़ा लाएंगे तो क्या है मसाला भी मिक्स हो जाएगा।
आराम से 4 लोग खा सकते इतनी मैगी, और हेल्थी भी है क्योंकि हमने सब वेजिटेबल्स सब इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिलाए हुए हैं। अब हमारी मसालेदार मैगी रेडी हो चुकी है और हम खाने के लिए जा रहे हैं। आप सब लोग भी आ जाओ, ग्रेवी वाली वेजिटेबल्स वाली अच्छी मसालेदार मैगी हम एंजॉय करेंगे सब साथ में। चलो तो हम लोग खा लेते हैं और आज के लिए इतना ही, और सब लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो।